आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉपी लिखते समय कौन कौन सी बारीकियों का ध्यान रखें। जब हम एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो हम लोग जल्दबाजी में होते हैं और छोटी छोटी जो गलतियां होती है उनको हम करते जाते हैं और उन बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे पहला बात हो गया कि पेज हो गया, मान लीजिए पेज हो गया ना, ये पेज हो गया तो पेज में क्या करना होता है, साइड में एक लाइनिंग खींचनी होती है, किसी किसी एग्जाम में खींचा हुआ होता है और किसी किसी एग्जाम में खींचना होता है, तो कितना चौड़ा लाइनिंग होना चाहिए। या यहाँ पर मान लीजिए रोल नंबर रोल कोड भर दिए तो कितना पेज के बाद आपको लिखना शुरू करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं यहाँ पर रोल नंबर रोल कोड भर दिए डायरेक्ट यहाँ पर इसके अगला पेज में लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि एक पेज छोड़ना होता है। तो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है और जिससे बेहतरीन और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। देखिए पढ़ना जरूरी होता है, पढ़ लिए लेकिन उसको कितना अच्छा ढंग से आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, अच्छा ढंग से बता पाते हैं, मार्क्स उस पर मिलता है। इस पर नहीं कि आप कितना पढ़े हैं, इस पर मिलता है कि आप कितना बेहतरीन ढंग से उस बात को बता सकते हैं। आपको मान लीजिए कम भी नॉलेज है ना और उसको बेहतरीन ढंग से बता दिए तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला बात ये सभी लोगों को पता होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तो सबको पता है, लेकिन इसके बाद जो पॉइंट बताएंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे, उसको और बेहतरीन से ध्यान रखना है। क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना है, तो आपको पता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़े। अब देखिए बहुत सारे बात ऐसे होते हैं जहां पर न लिखा होता है, न हम लोग देख ही नहीं पाते कि न लिखा हुआ है, बीच क्वेश्चन में न लिखा हुआ है, इसमें न मतलब नहीं करना है वो बात, और उसको हम ह समझ कर उसका आंसर दे देते हैं, उसका क्या हाँ समझ कर आंसर देते हैं जब उसमें क्या लिखा होता है नहीं वाला बात। कई बार कई बच्चे ऐसे गलती करते हैं, इस बातों को ध्यान नहीं रखते। तो देखिए इतना जल्दी एग्जाम में क्या है, आखिर उसी लिए ना, देखिए समय आपको क्यों मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए और आंसर लिखने के लिए ना, और इसी में जल्दबाजी करके गलती कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर कॉपी के किनारे लाइनिंग खींचे, कॉपी के किनारे लाइन खींचे, लाइन खींचे। अब देखिए कॉपी किनारे और ध्यान से इस बात को समझिएगा, लाइन खींचे, देखिए जैसे आपको इतना बड़ा पेज मिल गया ना, हर पेज में होता है तो ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचा हुआ रहता है, लाइनिंग वाला कॉपी रहता है ऐसे ऐसे। देखिए किसी किसी एग्जाम में ब्लैंक भी मिलता है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में, अधिकतर जो बोर्ड वाले एग्जाम होते हैं या ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें लाइनिंग ही कॉपी में लाइनिंग रहता है, उसमें क्या रहता है लाइनिंग कॉपी में रहता है। तो जो लाइनिंग जब रहता है कॉपी में तो आपको साइड में भी एक लाइनिंग यहाँ पर खींचना पड़ता है खुद से, वहां पर नहीं खींचा हुआ था खुद से। तो ये लाइनिंग कितना चौड़ा होना चाहिए, देखिए ज्यादा इसकी चौड़ाई नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे इतना चौड़ाई कर देते हैं। जब आधा कॉपी में लाइनिंग खींच दीजिएगा तो लिखिएगा कहाँ पर बताइए, आधा कॉपी में जब आप लाइनिंग यहाँ पर खींच दे रहे हैं तो लिखिएगा कहाँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यहाँ पर खींचते हैं एकदम यहाँ पर, अब बताइए इतना कम लाइनिंग, जबकि इतना कम नहीं, थोड़ा सा देखिए कितना लगभग इतना इतना चौड़ा हल्का सा खींचना, आपको खुद से ही देखकर समझ में आ जाएगा कितना चौड़ा खींचे कि दिखाई दे कि ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, मतलब एक हल्का मात्रा में देख रहे हैं ना यहाँ पर खींचे हुए हैं, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कॉपी के किनारे लाइनिंग खींचना है, और उसके बाद यहाँ पर एक पेज छोड़कर आंसर लिखने की शुरुआत करें, एक पेज छोड़कर, एक पेज छोड़कर आंसर लिखने की शुरुआत करें, छोड़कर आंसर लिखने की शुरुआत करें, लिखने की शुरुआत करें, शुरुआत करें। अब कौन सा एक पेज छोड़ना है, शुरुआत करें, कौन सा एक पेज छोड़ना है। देखिए जब हम यहाँ पर रोल नंबर रोल कोड शुरू वाला पेज पर भर लेते हैं ना, रोल नंबर रोल कोड ये सब भरना होता है, शुरू वाला पेज पर भर लेते हैं, जैसे ये पेज हो गया यहाँ पर रोल नंबर रोल कोड भर लिए, ठीक है। और उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट ऐसे पेज उलटते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर पेज उलट कर और क्या करते हैं लिखना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, ध्यान रखिएगा पेज उलट कर उसके अगला वाला, यहाँ पर रोल नंबर रोल कोड भर लिए ना तो यहाँ पर हम लिखना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता, ये छोड़ दीजिए पेज, अगला पेज से लिखना क्या कीजिए शुरू कीजिए। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करके मार्क्स इसी पर जोड़ता है, हाँ कितना मार्क्स आपका आया है, तो ये पेज जो खाली छोड़े रहिएगा तब ना, तो इसको यहाँ पर रोल नंबर रोल कोड लिखा गया ना, तो यहाँ पर आपको क्या कीजिए इसको खाली छोड़ दीजिए, अगला से लिखना शुरू कीजिए। अब ये मत सोचिए पेज घट जाएगा, पेज बिल्कुल नहीं घटता है, बहुत सारा पेज रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो एक पेज कम से कम छोड़ दीजिए, यहाँ पर एक पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। इन बारीकियों के ध्यान बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता कि एक पेज छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं चार नंबर, इंट्रोडक्शन, इंट्रो जो होता है उसको बढ़िया से लिखे, यानी इंट्रो जो होता है यानी कि परिचय, परिचय को अच्छा से लिखे। सभी क्वेश्चन में आपको इंट्रो लिखना होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, लॉन्ग बड़ा वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें सब में इंट्रो लिखना होता है, तो बच्चे डायरेक्ट एकदम आंसर लिखना शुरू, मतलब डायरेक्ट एकदम जो लिखा हुआ प्रश्न दिया वो वही लिखना शुरू कर दे, नहीं पहले उसके इंट्रो लिखिए, मतलब आप अंदर में क्या क्या लिखने वाले हैं उसको बेहतरीन इंट्रो ऊपर लिखा जाता है,
और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उस प्रश्न का आंसर जो होता है एक्चुअल आंसर लिखना शुरू किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है कि द्वितीय नगरीकरण के लिए जिम्मेवार कारकों की चर्चा करें, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन हो गया, ध्यान समझिएगा इसको, हम समझा रहे हैं ऐसे ऐसे ही आपको। देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, द्वितीय नगरीकरण, ये हम उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिए हैं, द्वितीय नगरीकरण 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 के लिए जिम्मेवार 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 कारकों की चर्चा करें, कारकों की चर्चा करें। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे डायरेक्ट यहाँ पर जिम्मेवार कारक ही लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये जिम्मेवार कारक है, द्वितीय नगरीकरण के जिम्मेवार कारक, उनका आर्थिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ पर नहीं, पहले द्वितीय नगरीकरण के बारे में लिखना शुरू करेंगे। ये हो गया इंट्रो, ये हो गया क्या इंट्रो, और उसके बाद आप उसका आंसर, अब द्वितीय नगरीकरण के लिए फिर जिम्मेवार कारक जो होंगे वो लिखना शुरू करेंगे। जैसे द्वितीय नगरीकरण क्या है, ये उत्पन्न कैसे हुआ और किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, ये लिखेंगे पहले। जैसे पहला नगरीकरण हड़प्पा में उत्पन्न हुआ था, दूसरा नगरीकरण ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, और यह गंगा के मैदान में फैला हुआ था, और इसके बारे में और भी लिखेंगे। और इसके बाद लिखने के बाद इतना इंट्रोडक्शन लिख लिया ना, उसके बाद जिम्मेवार कारक लिखकर अंडरलाइन डैश करते हैं, उसके बाद जिम्मेवार कारक लिखते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, संसाधन क्या होता है और इसके बारे में चर्चा कीजिए, तो यहाँ पर अब इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, यहाँ पर डायरेक्ट संसाधन के बारे में लिखना है, संसाधन आखिर होता क्या है, जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वस्तु क्या होता है, संसाधन, लेकिन इतना छोटा नहीं लिखना होता, उसमें बड़ा करके लिखना होता है, उसका उदाहरण ये सब शुरू में लिखेंगे, वही उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। ये 5 नंबर में है कि मुख्य बातों को अंडरलाइन करें, मुख्य बातों को क्या करना है, बातों को अंडरलाइन करें, अंडरलाइन करें जो जिम्मेवार कारक है इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि जिम्मेवार कारक हम क्या क्या लिख रहे हैं, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। और भी कोई आपको मुख्य बातें लग रहा है, जैसे द्वितीय नगरीकरण मुख्य बात आपको लग रहा है, द्वितीय नगरीकरण को अंडरलाइन कर दीजिए, तो यानी कि मुख्य बातों को आपको क्या करना होता है, अंडरलाइन। उसके बाद मैप चार्ट कैसे बनाना होता है, मैप चार्ट और डायग्राम कहाँ कहाँ बनाना होता है, डायग्राम वहां पर डायग्राम बनाना होता है जहां पर कि डायग्राम और चार्ट की जरूरत होती है और मैप की जरूरत होती है। जब हम द्वितीय नगरीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पर, यहां पर द्वितीय नगरीकरण के बारे में अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो यहां पर आप मैप बना सकते हैं, भारत के क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। और मान लीजिए कोई भी और इतिहास की बातें लिख रहे हैं तो यहां पर भी मैप बना सकते हैं, या भूगोल का कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर भी मैप बना सकते हैं, जहां पर जरूरत हो, जहां पर भारत के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में लिख रहे हैं वहां पर क्या बना सकते हैं, मैप। नहीं तो जहां पर मैप की जरूरत है वहां पर मैप नहीं बनाएंगे, जहां पर जरूरत नहीं है। अब देखिए चार्ट और डायग्राम क्या कैसे बनाएंगे, मान लीजिए चार्ट ऐसे बनाएंगे, यहां पर इसको मिटा देते हैं, चार्ट ऐसे बनाएंगे, मान लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में हम लिख रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के बारे में लिख रहे हैं तो यहां पर क्या करेंगे, बौद्ध संगीति भी लिखेंगे, क्या करेंगे, बौद्ध संगीति, तो यहां पर ऐसे यहां पर चार्ट बना देंगे, ऐसे संगीति यहां पर लिखेंगे, संगीति संगीति काल यानी कि समय, और उसके बाद शासक लिखेंगे, शासक, अगर अध्यक्ष का नाम है कि अध्यक्ष कौन कौन है तो अध्यक्ष भी यहाँ पर चार्ट बना लीजिए, और नहीं नाम है नहीं याद है, देखिए अध्यक्ष का नाम बच्चों को याद नहीं रहता है, तो चलिए शासक का नाम कम से कम, तो संगीति यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम यहाँ पर लिख दीजिए बौद्ध संगीति, तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति, फिर यहाँ पर काल लिखेंगे कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, यहाँ पर 483 ईसा पूर्व, शासक उस समय कौन था, अजात शत्रु ऐसे दूसरा तीसरा फिर चौथा, ये सब करके ऐसे चार्ट बना देंगे अगर बौद्ध धर्म के बारे में लिख रहे हैं तो एग्जामिनर का नजर डायरेक्ट इस पर पड़ता है कि देखो ये चार्ट बनाया है। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर अगर डायग्राम, अगर कोई मान लीजिए कोई और डायग्राम बनाना होगा बौद्ध संगीति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में लिखना होगा, मान लीजिए कोई संज्ञा के बारे में लिख रहा है, किस चीज के बारे में, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के बारे में लिख रहा है, संज्ञा का प्रकार लिखना है, संज्ञा 5 प्रकार का होता है, संज्ञा आप जानते हैं ना, उदाहरण के लिए अलग अलग क्वेश्चन के उदाहरण ले रहे हैं, समझिए ध्यान से, संज्ञा 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, पहला व्यक्तिवाचक लिख दिया ऐसे, दूसरा ये अच्छा से बना लीजिएगा संज्ञा लिखकर ऐसे, अच्छा से ऐसे लिखकर, और पहला लिखिएगा क्या, व्यक्तिवाचक, फिर दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, और पांचवा भाववाचक, ऐसे करके लिख सकते हैं, जिससे डायरेक्ट एग्जामिनर को नजर पड़ता है अच्छा ये बच्चा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ध्यान रखिएगा इन बारीकियों को भी ध्यान रखना होता है, और हर जगह हर चीज के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डायग्राम कहां पर प्रयोग करना है, चार्ट कहां पर प्रयोग करना है, और कॉमा कहां पर यूज करना है, फुल स्टॉप कहां पर लगाना है, ये सब आपको क्या होगा, ये लिखते लिखते जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए ना,
तो लिखते लिखते आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। एक अंतिम बात ध्यान रखिएगा, अंतिम बात ध्यान रखिएगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है, यानी कि आंसर चेक कर लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि यानी कि आप अच्छा से आंसर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। इस आंसर को क्या करना होता है, चेक करने को, कोई आंसर तो छोड़े तो नहीं ना है, आप जितना आंसर लिखना है उतना लिखे तो है ना, एक दो बीच में छूट भी जाता है तो कोई छोड़े तो नहीं है ना, इस बात को हमें ध्यान रखना होता है। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया।